अरे आप आ गए, वेलकम वेलकम टू माय होम। ये है हमारा घर। घर के अंदर आने के बाद पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम। इसको फर्स्ट रूम को खोलते हैं, चलते हैं हम अंदर और लाइट जला लेते हैं। तो ये रहा है हमारा फर्स्ट रूम। सो एक ये है हमारी पेंटिंग जो कि इंस्टाग्राम के फोटोज में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। मतलब इसके साथ इंस्टाग्राम के फोटोज में पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत अच्छा आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे कर्टेंस जिसके बाहर यहाँ पे सब कुछ बाहर का दिखता है। और उसके बाद ये है मेरा टावल और एक है यहाँ पर पीकॉक के पेंटिंग, क्योंकि पीकॉक मेरा फेवरेट बर्ड है, एनिमल तो नहीं है, बर्ड है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा वॉशरूम। और इस घर में ना यार वॉशरूम के अंदर ना मतलब कि देखो पहले अंदर चलो फिर बताता हूँ। सो मैं अपने वॉशरूम की बात बताने से पहले ना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब भी आप वॉशरूम वगैरह में कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगता है? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते होंगे या किसी को 10 मिनट लग जाते होंगे। बट अगर आप वॉशरूम में जाते टाइम अपने साथ मोबाइल भी ले जाते हैं तो फिर ये जो चीज़ है ना ये 5 मिनट के 25 मिनट कब कर देती है पता नहीं लगता। और उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगती है, वॉशरूम में बैठ के पसीना आने लगता है तो पता लगता है कि यार ज़्यादा टाइम हो गया, चलो बाहर चलते हैं। बट हमारे वॉशरूम के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये 5 मिनट के 25 मिनट और 25 मिनट के 50 मिनट का बदल जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं लगता, जो कि है हमारे वॉशरूम के अंदर फैन। अगर हम इसको यहाँ से इसको बटन दबाएंगे और वहां पर हमारा फैन चल गया और उसके बाद हम नीचे बैठे हैं मोबाइल में लग रहे हैं, पसीना कुछ नहीं आ रहा, गर्मी नहीं लग रही, घंटों हो गए रिलैक्स करते टाइम, मतलब कि ये बर्बाद कर देता है वॉशरूम की तरह टाइम वेस्ट करा देता है। तो इसको फैन को वापस से बंद करेंगे और यहाँ पर है हमारा थोड़ी सी कबर्ड्स वगैरह है जिसमें हम कपड़े वगैरह रख सकते हैं इस साइड। और ये है हमारा शावर का एरिया, यहाँ पर शावर जिसको करना है कर सकते हैं। चलो बस इतना ही था, यहाँ पर बेसिन वगैरह सब कुछ है, चलो। और उसके बाद अब आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट में एक और वॉशरूम। इस घर में ना 5 वॉशरूम है, 5। हम सोच रहे हैं कुछ वॉशरूम सुलभ शौचालय वाले को दे दे, अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको खोलेंगे बट इसकी हालत अच्छी नहीं हो रही, दिखाने लायक नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बाद बहुत अच्छी ठीक। और अब आ जाता है मेरा फेवरेट जो कि है लिविंग रूम। और हाँ यार आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बताना भूल चुका था, जो कि था कि तुम्हारे प्यार की वजह से तुम्हारे भाई का गोल्डन प्ले बटन आ गया था। चलो पहले उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको लगाते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Take a ride, we can go where you like.
wanna see you in slow motion. Go slow, but you come fast. Only race where I come last. So, ये है हमारा लिविंग रूम जो कि मेरा घर का बेस्ट पार्ट है. यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा मन लगता है. यहाँ पर बैठकर मैं खाना खाता हूँ. यहाँ पर बैठकर मैं टीवी देखता हूँ. वैसे मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता, मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कुछ भी देखने का. अभी यहाँ पे मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, जिसकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट सकते हो आप लोग. 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से. और यहाँ पर बैठकर मैं बुक वगैरह जो भी पढ़ना होता है मैं वो भी पढ़ता हूँ. और अगर मोबाइल चलाना होता है तो मैं यहाँ पर बैठकर मोबाइल भी चलाता हूँ. ओवरऑल ये मेरी चिल प्लेस है. अब यहाँ पर हमारे लिविंग रूम के बाद आ जाता है हमारा किचन. और इस कवर्ड में आ जाता है मेरी जिम की डाइट का सामान, जो कि है थोड़ा सा कॉफी है जो कि मैं काम करते टाइम वीडियो एडिटिंग करते टाइम पीता हूँ, और है BCAAs, पीनट बटर और प्रोटीन शेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और यहाँ पर दूसरी कबर्ड के अंदर आ जाता है मेरे डेली खाने के लिए जो भी कुछ होता है, जैसे कि दाल, राजमा, दलिया, और इमरजेंसी के लिए मैगी, चीनी, पत्ती, मसाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और किचन से बाहर आ जाता है रास्ता मेरे फेवरेट जगह का, जो कि है हमारा गार्डन. और ये हमारे कैमरामैन ने हमें गार्डन की जगह आसमान में पहुंचा दिया. भाई थोड़ी ब्राइटनेस कम, थोड़ी और कम, हाँ बस ये ठीक है. सो ये रहा है मेरा गार्डन, और इसके अंदर पेड़ एक लग रहा है पपीते का. मैं सोच रहा हूँ सारी सब्जी वगैरह के पेड़ यहाँ पर लगा दूँ, जिससे बाहर से कुछ भी पैसे बचते रहें, कुछ खाने का सामान लाना ना पड़े. और अभी ये पपीता थोड़ा हरा है बट कुछ दिन में पक जाएगा. तो यहाँ पर किचन के बराबर में मैं हूँ, और मेरे बराबर में आ जाते हैं स्टेयर्स जो कि सीधा जाते हैं मेरे ऊपर रूम की तरफ. और ये है कैंडल्स जो कि रात को जलते हुए बहुत अच्छी लगती हैं. अभी जलाकर दिखाता हूँ. अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलने के बाद ये स्टेयर्स, और स्टेयर्स के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे दो रूम. फर्स्ट रूम ये है हमारा, इसको हम ओपन करते हैं. और इसको ओपन करने के बाद एक ये हमारा रूम है जो कि किड्स रूम है. वैसे मेरे बच्चे नहीं है बट ये किड्स रूम, इसको मैंने किसी और पर्पज़ के लिए सोच रखा है, इसको यहाँ पर कुछ और करेंगे ठीक है. और यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ लगेज वगैरह रख रखा है बच्चों के झूले में ठीक है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं. और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा इस रूम का वॉशरूम. इसको बंद करते हैं और इस रूम को भी अलविदा बोलते हैं. हाँ सॉरी मैं भूल गया यहाँ से बाहर दिखाने का, यहाँ से बाहर कैसे दिखता है. सो बाहर का कुछ नज़ारा ऐसे, यहाँ से गर्मी हो रही है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ ठीक है. बंद कर दो. अरे कैमरे वाले भैया आप आइए पहले, आ जाइए. सो ये रहा है मेरा मेन रूम जिसमें मैं रहता हूँ. एक मिनट बाहर खड़े रहो, मैं अंदर से सेटिंग करके आता हूँ. Two hours later. आ जाओ मेरे रूम में, मैंने अंदर से साफ कर दिया, वरना बहुत दिल लग रहा था. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. सो सबसे पहले ये तो आ जाता है मेरा ग्रीन प्लांट, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है. ऐसा लगता है जैसे कि रूम के अंदर फ्रेश एयर है. उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मेरा वाईफाई, और उसके बाद ये मेरा बेड आ जाता है. और उसके बाद यहाँ पर वो पेंटिंग, उसको पेंटिंग को दिखाता हूँ. इस पेंटिंग को ऐसा लगता है
जैसे तोते को ये लड़की मिडल फिंगर दिखा रही है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे फिलहाल ट्राईपॉड वगैरह रख रखे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो वहाँ पर एसी है, और ये मुझे यूट्यूब ने दे रखा था, और ये अलमारी है जिसके अंदर मेरे कपड़े रखे हैं, और उसके बाद आ जाती है मेरी टेबल जिसके ऊपर मेरा सब काम का सामान है, और वो है वहां पर टीवी जो कि मैंने एक बार भी खोल कर नहीं देखा कैसा चलता है। और उसके बाद यहाँ पर टीवी के बिल्कुल बराबर में आ जाता है मेरा वॉशरूम। चलो वॉशरूम दिखाता हूँ। और इस वॉशरूम के अंदर भी सेम सिस्टम है, यहाँ पर भी फैन है, और नीचे बस बैठे रहो, गर्मी लगेगी नहीं, घंटों हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद वॉशिंग का एरिया है, शावर का एरिया है, और ये कुछ कपड़े हैं जो कि धुलने के लिए मैंने रख रखे हैं, और ये मेरी बैग साफ वगैरह करने के लिए ब्रशेस वगैरह हैं क्योंकि बैग पर हाथ नहीं जाता। और उसके बाद ये सामने मेरा मिरर है, यहाँ पर है मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ। और ये देखो तुम ज़रा, जैसे कि इसको डोर को खोलेंगे ना, ये यहाँ पर लगता है किस दिन टूटेगा ये पक्का, ठीक है। और ये रहे कपड़े, ऊपर है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि डेली यूज़ के लिए यूज़ में आते हैं वो, और नीचे ये रहे हैं कपड़े, और उसके नीचे हैं कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे कि शेविंग क्रीम और रेज़र वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं बंद, और ये बाथरूम का भी बंद। और अब दिखाता हूँ मैं अपने रूम के बाहर का व्यू जो कि बहुत प्यारा लगता है। इसको कर्टेंस को हटा देते हैं, और उसके बाद जैसे मैं काम करते करते बोर हो जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बाहर आकर खड़ा हो जाता हूँ जो कि बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे बहुत चिल वाइब्स आती हैं, और ये नीचे गार्डन, और यहाँ पे शांति। और अब इससे ऊपर चलेंगे तो आ जाती है हमारी छत। थैंक यू सो मच मेरे घर पर आने के लिए, आई होप होम टूर अच्छा लगा होगा। बट अभी जाने का टाइम हो चुका है और मुझे सांस चढ़ गया है ऊपर से नीचे आते जाते। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़। अरे ये तो मेरा घर था, तुम्हें जाना था, चलो जाओ जरा। Bye 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 bye. Okay. These are things I gotta say, I can't type out.